ठीक है, प्रज्ञा सिंह राइट, आर्यन सिंह राइट, ठीक है, और नेक्स्ट कोई नहीं। चलिए बहुत लोग मीटर बोल रहे हैं, तो मीटर वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मीटर किसका स्टैंडर्ड यूनिट होता था बताइए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। के और जी अलग अलग नहीं लिखा जाता है आप, के अलग लिख रहे हो, जी अलग लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज क्या होगा? केजी। केजी, केजी मीन्स होता है किलोग्राम, मीटर नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग वेट पढ़ेंगे, जैसे वेट में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत सा फिगर है, देखिए तो है ना, यू आर सम सब्जेक्ट हियर इन सर्किल द ऑब्जेक्ट व्हिच आर सोल्ड बाय द मेजरिंग वेट। जैसे मान लो इसमें जो भी फिगर दिया हुआ है वेट में, गेस द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड मैच, जैसे रिंग दिया हुआ है, हाथ में पहनने वाला रिंग होता है, तो रिंग का वेट कितना हो सकता है बोलिए? बासमती राइस है, बासमती राइस का वेट कितना होता है? रिंग का वेट कितना हो सकता है बोलिए? व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैच करना है, तो रिंग का वेट कितना हो सकता है? हाँ, ग्राम में हो सकता है, ग्राम, 100 ग्राम लिख रहा है मानव मनन, इसी तरह 5 ग्राम, 6 ग्राम, ठीक है, सिर्फ ग्राम में ही हो जाएगा, केजी में नहीं हो सकता है। बिल्कुल राइट, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, केजी में रिंग का वेट नहीं हो सकता है, ग्राम में हो सकता है। बासमती राइस हम लोग हमेशा केजी में, हाँ 5 केजी, 10 केजी जो भी है, यहाँ 3 केजी दिया हुआ है, और बुक का है, फिर हाथी का वेट बोल रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का वेट कितना हो सकता है आप बताइए? 10 केजी, 10 केजी होगा, 400 ग्राम होगा, 400 केजी, 400 केजी होगा। देर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द 400 ग्राम एंड 400 केजी, ठीक है, 400 केजी लिख रहे हैं उसका मीनिंग अलग होगा, 400 ग्राम लिख रहे हैं उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हाथ, एलिफेंट का वेट कितना हो सकता है? 400 केजी। उसी तरह से अब कन्वर्सन में हम लोग आते हैं, कन्वर्सन केजी टू ग्राम, ठीक है।
देखिए 100 रुपए पर वीक फिगर आपको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो 7 किलोग्राम इक्वल टू 7 into 1000 7 किलोग्राम तो क्या हो जाएगा 7 into 1000 बराबर क्या हो जाएगा 7000 ग्राम। ठीक है, यहां पर है 2 के लिए आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज केजी एंड 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम 1 kg is equal to how much gram? 1000 ग्राम। ठीक है, यहां हमको कन्वर्सन करना है 7 किलोग्राम इक्वल टू 7 इनटू किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिए 1000 कर दिए 1000 कर दिए हैं और 7 किलोग्राम 7 इंटू 1000 क्या वीडियो सही जा रहा है आप लोगों को, क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को वीडियो, उधर से सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है? चैट के द्वारा लिखे सेंड कीजिए, चैट के द्वारा लिखा दिखाई दे रहा है, इसको बनाइए आप लोग। यस सर, ठीक है, थैंक यू। इसको जो है आप लोग बनाइए, हम फर्स्ट का बना दिए हैं, सेकंड थर्ड आप लोग बनाइए। आई हैव डन सर, नहीं आप बना करके अभी तुरंत दिखाइए, आप बना करके तुरंत दिखाइए तब जो है सही होगा, आप तुरंत दिखाइए बना करके। क्या होगा सेकंड वाला का, क्या होगा बताइए, सेकंड वाला का क्या होगा? 2 किलोग्राम बराबर क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, आर्यन का सही है, अभय का सही है, अर्ना का सही है, जिया कुमारी का सही है, ठीक है, मेरे कीर्ति नारायण का भी राइट है, फलक का भी सही है, अवंतिका का राइट है, मानवी का भी राइट है। आई हैव डन सर, आप देखिए आयुष कुमार क्या लिख के भेज रहे हो, आई हैव डन सर, हम जानते हैं कि आप लोग को आता है फिर भी आप लोग कैसे गलत कर देते हैं बताइए एवरीवन। ठीक है, देखिए मैसेज एवरीवन को मत कीजिए, मैसेज सिर्फ हमको कीजिए, सबको आप आंसर पहले ही दे रहे हैं,